दिल्ली इंडिया की कैपिटल टेरिटरी इज अ मैसिव मेट्रोपॉलिटन, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड की बिगेस्ट पार्लियामेंट है। यहाँ पैसा है, पावर है, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर ऑर्गेनाइजेशन क्राइम तक। तिहाड़ जेल में बैठकर बड़े बड़े बिजनेसमैन को फोन करने का, 2 खोखा 3 खोखा भेज देने का, वरना यहाँ पैसा बोलता है रे। यहाँ एक से बढ़कर एक गैंग वसूली फिरौती प्रोटेक्शन मनी में उस्ताद है। गोल्ड हो या ड्रग्स, हथियार हो या इंसान, यहाँ सब कुछ बिकता है। सोने से ड्रग्स में, ड्रग्स से डॉलर में, डॉलर से रुपए में, रुपए से पावर में। पैसा यहाँ गिरगिट की तरह रंग बदलता है। यहाँ ना ममा पूरा गैंगलैंड है। यहाँ क्राइम करने का एक रास्ता बंद तो दूसरा खुल जाता है। यहाँ लफड़े वाली जमीनों की सेटलमेंट एडवोकेट नहीं, गैंगस्टर करता है। यहाँ सिस्टम और क्राइम के बीच बड़ा गहरा रिश्ता है रे। मगर जुर्म और कानून के बीच खेल में हर बार प्यादा ही मरता है, और राजा NCR से दूर या तिहाड़ में सेफ रहता है। यहाँ कितनों का एनकाउंटर करोगे, क्योंकि हर गली में अमीर बनने की ख्वाहिश है, हथियार है, क्रिमिनल है। तो मामा, दिल्ली के मनी माफियाओं का ऑर्गेनाइज क्राइम और पूरा कच्चा चिट्ठा आज के एपिसोड में खली बली मजा देगा माई गुज्जू भाई। कम छो मजामा भाई लोग, लॉरेंस हो या बवाना, काला हो या पहलवान, NCR का A to Z गैंग मनी पावर के दम पर ही ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे पाता है। दिल्ली में जितने भी सिंडिकेट काम करते हैं उनकी रीड है मनी पावर। यहाँ के माफियाओं ने पैसों का तालमेल क्राइम के साथ इतना सटीक बिठाया है जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियत फंस जाती है। बात करें बिश्नो गैंग की तो इस गैंग को अब गैंग नहीं बल्कि पूरा सिंडिकेट माना जाता है, जिसका बॉस है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। और इस गैंगस्टर के गुर्गे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, UP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में सक्रिय है। इस सिंडिकेट की जड़ें कनाडा, दुबई, ब्रिटेन, अमेरिका तक फैली है। इस सिंडिकेट में सब कुछ डिजिटल है। इस गैंग से जुड़े करीब 1000 लोग, जिसमें शार्प शूटर, बदमाश, कैरियर, सप्लायर, रेकी पर्सन, लॉजिस्टिक स्पॉट बॉय, सेल्टरमैन, सोशल मीडिया वैंग के सदस्य शामिल है। इस सिंडिकेट के टारगेट मोबाइल फोन के जरिए तय किए जाते हैं। इस सिंडिकेट का मास्टर ब्रांड लॉरेंस है। तो गोल्डी बराड कंपनी की रीढ़ की हड्डी, लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेलर और टारगेट प्लानर का हेड है, जो इस वक्त फरार है। जबकि कनाडा या अमेरिका में विक्रम बराड और ऑस्ट्रेलिया से अनमोल बिश्नोई कंपनी की फाइनेंशियल डील हैंडल करते हैं। इस क्राइम सिंडिकेट में हर टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे वाले शख्स को ही जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी मेंबर गैंग्स के जुड़े होते हैं उन्हें बाकी मेंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। यही नहीं, एक जबरदस्त प्लानिंग के मुताबिक कंपनी के सदस्यों को अलग अलग टास्क सौंपे जाते हैं, यानी रेकी कौन करेगा, पना कौन देगा, गाड़ियां कौन सप्लाई करेगा, हथियार कौन मुहैया कराएगा, कत्ल के बाद किस तरह और कहाँ भागना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि फंडिंग कैसे होगी। ये पूरी रणनीति कहीं दूर बैठा शख्स ही तय करता है। वही किलिंग के वक्त मौजूद गैंग मेंबर भी अक्सर एक दूसरे को नहीं जानते होते, ताकि पकड़े जाने पर गैंग के बाकी सदस्यों पर कोई मुश्किल खड़ी ना हो। अब गैंग को आगे बढ़ाने और दबदबे और भोकाल को बनाए रखने चाहिए हथियार और पैसा, और हथियार भी तो तब आएगा जब पैसा होगा। तो सिंडिकेट का मेन फोकस रहता है रुपये पर। अब रुपये आते हवाला के जरिए, वसूली के जरिए, बेनामी संपत्तियों को डरा धमका कर अपने नाम करने से, प्रोटेक्शन मनी विरोधी और शराब, ड्रग्स, कोकिन सप्लाई की स्मगलिंग से। इस पूरी साजिश का ताना बाना सिग्नल ऐप के जरिए होता है, जहां बिना सिम के वर्चुअल नंबर, इंटरनेट के नंबर से सिंडिकेट की सारी डील्स, सारे प्लान, पूरा ऑपरेशन और टारगेट फिक्स होते हैं। सिंडिकेट की मीटिंग के केवल निर्देश गोल्डी बराड देता है, जिसे आगे वाले मेंबर फॉलो करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और फिर अगले काम में जुट जाते हैं। बताया जाता है कि 2015 से अब तक लॉरेंस बिश्नोई अलग अलग जेलों में शिफ्ट होता रहा, और इन सालों में उसने पूरे सिंडिकेट को बिल्ड किया। सूत्र बताते हैं कि बिश्नोई गैंग का हवाला का पैसा ब्रिटेन और दुबई में भी लगा होने की जानकारियां मिली है। फिरौती के लिए अपहरण, कत्ल और जबरन उगाही इस सिंडिकेट का पैसा कमाने का मुख्य जरिया है। इस तरह आज राजधानी दिल्ली में इस सिंडिकेट की पकड़ मजबूत हो चुकी है। अब बात करें उस सिंडिकेट की, जिसे असल मायनों में दिल्ली NCR का सबसे घातक गैंग्स माना जाता है, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल से ऑपरेट होता है।
और इस सिंडिकेट का सरगना है गैंगस्टर नीरज बवानिया, जो खुद साल 2015 से तिहाड़ के हाई रिस्क वाले जेल में बंद है। नीरज बवानिया एक समय सुरेंद्र मलिक उर्फ नित्तू दाबोड़िया का खास गुर्गा हुआ करता था। नित्तू जेल जाता तो नीरज वसूली करता, बाद में महत्वाकांक्षाएं बढ़ी तो नित्तू दाबोड़िया से अलग होकर नीरज बवानिया ने खुद का गिरोह बनाया। अब अपराध का वह काला अध्याय नीरज से जुड़ने वाला था, जिसने पूरे NCR में कहर मचा दिया। 2015 से पहले एक दो सालों में दिल्ली में एक के बाद एक कई हत्याएं हुई, जो नीरज बवानिया और नित्तू दाबोड़िया गिरोह के बीच की गैंग वॉर माना जाता है। लेकिन 2015 के बाद से उसने अपने काम करने के तरीके को बदल लिया। वह चाहता था कि जेल में रहते हुए उसका भोकाल पूरे दिल्ली NCR में बना रहे, और मामा ऐसा ही हुआ। उसने अपने गैंग का उभार किया और पूरे दिल्ली में क्राइम का जाल बिछा दिया। दिल्ली पुलिस की फाइलों में ऐसे कई केस दर्ज है जिनमें नीरज बवानिया के खिलाफ केबल व्यापारी, डॉक्टर, बिल्डर और बड़े बड़े नेताओं से पैसे वसूले गए हो। बताया जाता है कि दिल्ली में असल में अंडरवर्ल्ड की नींव रखने वाला शख्स भी यही है, जिसने आउटर दिल्ली में विवादित जमीनों पर कब्जा किया, सेटलमेंट के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। आज भी नीरज बवानिया गैंग की हनक इतनी है। नीरज भले ही तिहाड़ में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे जेल के बाहर उसके एक इशारे कोई भी बड़ी वारदात कर सकते हैं। यही वजह है कि हाल ही में जब NIA ने दिल्ली में काम कर रहे 7 गैंग और उनके सरगनाओं की लिस्ट तैयार की, तो उसमें बिश्नो गैंग के ऊपर बवाना गैंग का नाम शामिल था। और तिहाड़ जेल प्रशासन इन गैंगस्टर को तिहाड़ से निकालकर अंडमान या फिर दूसरे राज्य की जेल भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस गैंगस्टर ने पिछले 8-9 सालों में तिहाड़ में रहते हुए तिहाड़ जेल की सुरक्षा की पूरी इमेज खराब कर दी है। दिल्ली NCR में और एक गैंग काम करता है, यानी काला जठेड़ी ग्रुप एंड कंपनी। इस गिरोह की जड़ें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मुंबई तक फैली है। 7 लाख के इनामी रहे गैंगस्टर काला जठेड़ी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और फिलहाल काला जठेड़ी जेल से ही पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करता है। इस गैंगस्टर का पूरा नाम है संदीप उर्फ काला, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। बताया जाता है कि काला जठेड़ी कभी दुबई तो कभी मलेशिया बैठकर हिंदुस्तान में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था, और तब उसने दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में कई वारदात को अंजाम दिया था। लोग बताते हैं कि शुरुआत में काला जठेड़ी चप्पटमारी, लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसी वारदात को अंजाम दिया करता था, लेकिन देखते ही देखते जठेड़ी ने अपना गैंग बिल्ड किया और जबरन उगाही करने के साथ साथ विवादित संपत्तियों पर अपनी दखल देने लगा। बताया जाता है कि हरियाणा, खासकर गुड़गांव के आसपास के शराब के ठेके चलते हैं और यहाँ के शराब कारोबारी सालाना करोड़ों रुपये छापते हैं। काला जठेड़ी की नज़र इस पर पड़ी, जिसकी बदौलत आज सोनीपत, गुड़गांव में काला जठेड़ी के नाम पर शराब के ठेके थलड़े से चलते हैं। जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ा हुआ है, और दोनों गैंग्स के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। कभी हथियार तो कभी शूटर भेजते रहते हैं। बता दो कि काला जठेड़ी की धर्मपत्नी अनुराधा चौधरी भी राजस्थान की सबसे बड़ी लेडीडॉन मानी जाती थी। दोनों ने 2020 में फरारी के दौरान शादी कर ली थी। हालांकि अब अनुराधा चौधरी का कहना है कि वह अपराध छोड़ चुकी है, जबकि काला जठेड़ी आज भी जेल में बंद है और वहीं से पूरा गैंग ऑपरेट करता है। बता दूं कि काला जठेड़ी भी उन गैंगस्टर में शामिल है जिन्हें NIA काला पानी की सजा दिलवाना चाहती है। वहीं दिल्ली माफियाओं में एक अध्याय गैंगस्टर डिल्लू ताजपुरिया और गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का भी जुड़ा है। दोनों की दोस्ती दुश्मनी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। खैर, फिलहाल दोनों गैंगस्टर मारे जा चुके हैं। जितेंद्र गोगी साल 2021 में रोहिणी कोर्ट में मारा गया, जबकि टिल्लू दादबुरिया को इसी साल तिहाड़ जेल के अंदर चाकू से गोद कर मार दिया गया। लेकिन आज भी दोनों गैंग्स दिल्ली NCR में सक्रिय है और एक दूसरे के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। बताया जाता है कि जितेंद्र गोगी की मौत के बाद गोगी गैंग लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ गया, जबकि टिल्लू की हत्या के बाद टिल्लू गैंग नीरज बवानिया के अंडर काम करने लगा है। दिल्ली में और एक गैंगस्टर है जो स्वतंत्र रूप से अपना गिरोह चलाता है। इस गैंगस्टर का नाम है आसिम बाबा। यह गैंगस्टर भी वसूली, लूट, किडनैपिंग, मर्डर के लिए काफ़ी बदनाम है। अरे मामा, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े गैंग्स दिल्ली में काम करते हैं और खूब पैसा छापते हैं। आजकल दिल्ली में सट्टे का धंधा अपराधियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। वहीं दिल्ली में शराब की छूट यहाँ के माफियाओं के लिए एक बड़ा फायदा है। यहाँ ड्रग्स, कोकीन की स्मगलिंग के केस रोज दर्ज होते हैं। पैसा ना देने पर गोली मार देना, जमीन पर कब्जा, हथियार और गोल्ड की तस्करी
मनी माफियाओं के लिए एक बड़ा जरिया है। तो भाई लोग, इन मनी माफियाओं पर बने हमारे इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।